हमारे देश को आजाद हुए आज 72 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये 73rd इंडिपेंडेंस डे है। बहुत सारी चीजें हमने अचीव की और बहुत सारी चीजें हमें अचीव करनी बाकी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच और एक ऐसे लेके आया हूं। अगर आपको इस इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देनी है या फिर ऐसे लिखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको ना स्पीच देनी है ना ऐसे लिखना है, उसके बावजूद आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ही है क्योंकि अपने देश की आजादी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको इस वीडियो में कुछ भी लिखना नहीं है, मैंने आपके लिए स्पीच और ऐसे दोनों ही लिखे हुए हैं। कहां पर रखे हुए हैं मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं या उसे कॉपी पेस्ट करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैंने आपके लिए एक स्पीच तैयार की थी, उसका वीडियो एक बार मैं आपके सामने रन करता हूं। देखिए स्पीच में मैंने क्या कहा था। गुड मॉर्निंग टू ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। This was the day in 1947 when we got independence, when we got freedom from the British rule. We are fortunate that our forefathers fought for us and gave us a land of peace. A peaceful life that we are living today is just because of their sacrifices. So many great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many others devoted their whole life to the service of nation. Today India is the largest democracy in the world. We are one of the most emerging economies in the world and developing rapidly in the field of technology, education, sports and many others which couldn't be possible without freedom. So at the end of my speech I would like to say that we must be proud to be Indian, not to forget. They sacrificed their lives to get us freedom and now it's our time, now it's time to take oath to do something significant for our country. What we are now and what we have now is all given by our forefathers. Now we have to ask ourselves what we are going to give to our coming generations. So let's celebrate this occasion with joy and remember their sacrifices. Jai Hind, Jai Bharat. Ye to thi wo speech jo last year maine aapke liye cover ki thi. इस बार मैंने एक और स्पीच आपके लिए लिखी है। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप उसे यूज कर लीजिए। दोनों के सेंटेंसेस को मिक्स करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जितना लंबा बनाना चाहें जितना छोटा बनाना चाहें स्पीच को आप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्पीच की। गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर चीफ गेस्ट ना आए हो या प्रिंसिपल सर मौजूद ना हो ऐसे में आपको उनके बारे में नहीं बोलना है। First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. Today, we are here to celebrate the Independence Day of our nation. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947, we got independence from the British rule. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many others devoted their entire life for the independence of our country. Puri zindagi, entire life, jinhone devote kar di. Devote yani nyochhawar kar di. Their sacrifice can never be forgotten. They are not with us anymore, but their ideas remain all around us in our constitutional framework as well as our lives. Wo aaj hamare beech mein nahi hain, lekin unke ideas, उनके विचार हमारे चारों ओर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में यानी संवैधानिक फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, एज वेल एज आर लाइव्स, साथ ही साथ हमारी जिंदगी में उनके विचार आज भी हमारी जिंदगी में जीवित हैं। वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर बॉर्न इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड दैट्स व्हाई वी हैव आवर ओन फंडामेंटल राइट्स। वी कैन नाउ स्पीक अगेंस्ट द इविल विदाउट फियर। हम फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र राष्ट्र में हुआ है और इसीलिए हमारे अपने मूलभूत अधिकार हैं। हम बुराई के खिलाफ बिना डर के बोल सकते हैं। आर इंडिपेंडेंस इज प्राइसलेस। हमारी स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं है। वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द सोल्जर्स फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स टू प्रोटेक्ट आवर नेशन। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने सोल्जर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने सैनिकों की जो बॉर्डर्स पे फाइट कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आवर कंट्री इज द बेस्ट, वी लव इट।
जय हिंद जय भारत। अब आपने दोनों स्पीच देख ली और सुन ली। ये स्पीच आपको रिटन फॉर्म में कहां पर मिलेगी, जहां से आप इसे नोट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जाइएगा www.spokenenglish.guru वेबसाइट पर। मेन्यू में आप देखेंगे कि ब्लॉग करके एक ऑप्शन है। ब्लॉग में नीचे जाइए, कई सारे ब्लॉग्स आपके सामने आते हैं। यहां पर ये देखिए, इंडिपेंडेंस डे स्पीच एंड एसे, इस पर क्लिक करिए। यहां पर आपको इंडिपेंडेंस डे स्पीच और इंडिपेंडेंस डे एसे दोनों मिलते हैं। थोड़ा नीचे जाइए, देखिए आपके सामने एक लिंक है, इंडिपेंडेंस डे स्पीच सैंपल 2, क्लिक हियर। इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वाले सैंपल पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये आपके लिए दूसरी स्पीच है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से जरा भी हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने एक एक फ्रेंड को। देश के एक एक गांव के स्टूडेंट्स को हमें सक्षम बनाना है, यही तो है सक्षम भारत मिशन। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, गुड बाय।